राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को मॉरिटानिया पहुंची। यहां राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी दी। यहां मॉरिटानिया की राजधानी नोआकचाट में राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां आयोजित स्वागत समारोह में कहा कि हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रवासी परिवार इस प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने मेजबान देश का आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं भारतीय समुदाय का हमेशा समर्थन करने के लिए मॉरिटानिया की सरकार और लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मॉरिटानिया के विदेश मामलों सहयोग और मॉरिटानिया के विदेश मंत्री मोहम्मद सलीम ओल्ड मेवचोक ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत से मॉरिटानिया की ये पहली राजकीय यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में करीबी द्विपक्षीय सहयोग की नींव रखने में मदद करेगी। बता दें कि तीन देशों की यात्रा में राष्ट्रपति की अल्जीरिया की यात्रा पूरी हो चुकी है, अब मॉरिटानिया के बाद वो मलावी की यात्रा पर जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र से लेकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का स्वरूप लेने तक भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत सरकार का इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस पर ध्यान केंद्रित करने से ये बदलाव हो रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे पहल हमारे लाखों नागरिक लाभ उठा रहे हैं और इससे वैश्विक सहयोग के अवसर उत्पन्न हो रहा है। हम वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने की अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारा प्रवासी परिवार इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। मैं आप सभी से इस विकास यात्रा के द्वारा अपने देश से जुड़े रहने और इसमें भागीदारी करने का आग्रह करती हूँ। आपके कौशल, विशेषज्ञता और अनुभव भारत की प्रगति के लिए मायने रखते हैं। इसके अलावा इस देश में आप सब भारत के दूत, ऐसे तो हम लोग का दूत है, लेकिन आप लोग भी एक एक दूत है। और आप दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के आपके कार्य सराहनीय है। हमें इस मित्रता और सहयोग को बनाए रखना है, साथ ही पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध भी बनाने हैं।